नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बीपी जोगदंड बने हैं एडीजी 1090, राजीव कृष्ण एडीजी विजिलेंस बने हैं, अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन, आर के स्वर्णकार बने पुलिस कमिश्नर कानपुर, मोहित अग्रवाल एडीजी एटीएस, नवीन अरोड़ा एडीजी टेक्निकल सर्विसेज, पीडी पॉल्सन एडीजी ट्रैफिक, डॉक्टर संजीव गुप्ता गृह सचिव बने हैं, एलआर कुमार बने हैं डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर। तो ये उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन में फेरबदल हुआ है। एडीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले यहां पर हुए हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर को ब्रेक किया ऋषभ मणि त्रिपाठी ने। ऋषभ, भले ही जिला स्तर पे कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन एडीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं और कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। 15 अगस्त के बाद एक उम्मीद जताई जा रही थी सीनियर लेवल पर ट्रांसफर हो सकते हैं, वही देखने को मिला है। बीपी जोगदंड सबसे पहले बात करते हैं, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, अक्टूबर में इनका रिटायरमेंट है, लिहाजा बीपी जोगदंड को वहां से हटाकर पुलिस कमिश्नर कानपुर के पद से एडीजी 1090 बनाकर लखनऊ बुला लिया गया है। और आर के स्वर्णकार काफी समय से वो साइड में चल रहे थे, भर्ती बोर्ड में थे, उनको कानपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। राजीव कृष्ण 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, एडीजी विजिलेंस बनाया गया। अनुपम कुलश्रेष्ठ जो एडीजी ट्रैफिक थी, यहाँ पर काफी बेहतर वो काम कर रही थी, उनके पास दो चार से 1090 का भी चार था, उनको आगरा जोन भेजा गया एडीजी बनाकर, ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। मोहित अग्रवाल जो एडीजी टेक्निकल सर्विसेज थे, उनको एटीएस कर दिया गया, और एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा, उनको एडीजी टेक्निकल सर्विसेज बनाया गया। हालांकि पिछले दिनों एटीएस ने तमाम बड़ी कार्रवाई की, एटीएस लगातार चर्चा में बनी हुई थी। तो वहीं बीडी पॉल्सन जो गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी, उनको एडीजी के तौर पर ट्रैफिक में लगाया गया। और डॉक्टर संजीव गुप्ता जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे, पूरे उत्तर प्रदेश का आईजी के पद पर लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, उनको होम सेक्रेटरी बना के शासन में भेजा गया है। तो वहीं एलआर कुमार ये डीआईजी रैंक के अफसर हैं, इनको डॉक्टर संजीव गुप्ता की जगह लॉ एंड ऑर्डर में डीआईजी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम अपडेट देने के लिए और जानकारी देने के लिए।